तो स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। तो अभी मैं था स्टैगवर्स के अंदर और कुछ खास कस्टमाइजेशन देखने को नहीं मिली है और वही एओएस पी को के ऊपर बेस्ड था। तो चलो हम यहाँ पर स्विच करने वाले एक नया ओएस, तो चलो चलते हैं रिकवरी में और उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो फाइनली बूटअप कर चुके हैं टीम इन की रिकवरी में और वही सेम स्टेप आपको करने पड़ेंगे, एडवांस वाइफ डेलवे कैश डेटा सिस्टम और वेंडर। तो इन सभी को हम यहाँ पर कर लिया है सिलेक्ट और करते हैं स्वाइप टू इंटरनल को छोड़ देना है हर बार की तरह। और फर्स्ट लुक वगैरह देखते हैं सेटिंग्स में और चलते हैं बैक। हो चुका है वाइफ इंस्टॉल और उसके बाद एडीएम। एडीएम फोल्डर में सारे यहाँ पर हमारे ओएस हमें देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर एडीएम का फोल्डर देखने को मिल जाता है। तो हम अब यहाँ पर करते हैं साइगनस ओएस को, साइगनस ओएस को फ्लैश, देखते हैं कि इसका सेटअप वगैरह फर्स्ट लुक वगैरह कस्टमाइजेशन वगैरह कैसी देखने को मिलती हैं साइगनस ओएस। तो करते हैं इसको, ये हालांकि हमें देखने को मिल रहा है शायद एंड्रॉयड 10 के ऊपर। तो देखते हैं इसका फर्स्ट लुक बूटअप सारा कुछ आपसे दिखाएंगे इस वीडियो में, बस बने रहना एंड तक देखना। तो ये दे सकते हैं, हालांकि ये वनीला वाला इसमें जी एप्स हमें देखने को नहीं मिलेंगे, जी एप्स आपको अलग से फ्लैश करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले आप हम करते हैं रिबूट सिस्टम, उसके बाद हम जी एप वगैरह फ्लैश करेंगे। तो ये है इसका, देख सकते हैं, और बूट लॉप लोगो आपको दिखाते हैं। तो ये है भाई इसका बूटअप लोगो, एक अलग से ही प्रकार में देखने को मिल रहा है साइगनस ओएस का। तो देखते हैं कि इसका इसके अंदर क्या क्या खास फीचर देखने को मिलते हैं। अभी मैंने इसको यूज़ नहीं किया, मैं फ़र्स्ट टाइम इसको यूज़ कर रहा हूँ, इंस्टॉल कर रहा हूँ। तो देखते हैं कि कैसा कुछ देखने को मिलता है इसका माहौल। तो वेट करते हैं इसके फर्स्ट लुक के ऊपर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हो चुका है फर्स्ट लुक इसका आ चुका है और देख सकते हैं कि वही एओएसपी यार, ये एओएसपी तो मतलब यहाँ पर जान से मतलब एक एओएसपी तो भाई कमाल का, मतलब हर एक ओएस के अंदर रहता ही है, कुछ अलग सा ओएस देखने को मिल ही नहीं रहा है। तो जेनपड वगैरह का सपोर्ट है, स्पेस शिप का ऑप्शन में भाई देख सकते हैं कि बस तीन ही कस्टमाइजेशन देखने को मिल रही है। तो ये क्या है यार, मतलब ओएस अगर बनाना ही था तो कुछ ढंग का कुछ एक्स्ट्रा फीचर वगैरह देखने को मिलते। सिक्योरिटी में फेस अनलॉक फिंगरप्रिंट देखने को मिलता है, जेनपड्स का भी सपोर्ट है। सिस्टम में चलें तो यहाँ पर हमें अपडेट का ऑप्शन था देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये एंड्रॉयड 10 के ऊपर बेस्ड है यार, तो मतलब और पुराना हुआ ऐसा मतलब तो इसको भी फ़ायदा नहीं है इसको रखने का। तो इसको हम जल्दी ही स्विच करने वाले हैं। तो ये इसका सिर्फ इंस्टॉलेशन वीडियो आपको यूट्यूब पर यार हर एक ओएस का होना चाहिए, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो बस से दोस्तों ये आज का वीडियो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और कुछ भी सवाल है कोई भी ओएस रिकमेंडेशन में तो जल्दी से हमें बता दीजिए। गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।